what if I don't get any good course or college in the first cutoff? या फिर एंड तक सारी कट ऑफ खत्म होने के बाद भी कोई अच्छा कोर्स नहीं मिला, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या फिर कॉलेज मिला ही नहीं डीयू का, सो उस केस में मैं क्या करूँगा, क्या ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं? नो यार, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपको फर्स्ट कट ऑफ में कोई अच्छा कोर्स या कॉलेज नहीं मिला या फिर एंड तक खत्म होने के बाद भी कुछ नहीं मिला, उस केस में भी आपके पास ऑप्शंस बचते हैं, सब कुछ खत्म नहीं होता है. एंड टुडे आई एम हेयर टू टेल यू दैट ओनली. सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज आयुषी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट अभी हमने जो देखा, राइट? बट अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते वीडियो को क्योंकि आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है. अब कर दिया ना? या वी कैन देन स्टार्ट. इफ यू डोंट गेट योर प्रेफर्ड कोर्स और कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट कट ऑफ, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ सपोज दैट के रिलीज हो जाए एंड उसके बाद आपको अपना प्रेफर्ड कोर्स या कॉलेज ना मिले, सो उस केस में एक सिंपल सा वे है हमारे पास एंड एक ही वे है जो कि है रीएलोकेशन. उस केस में क्या है, आपको सिंपली नेक्स्ट कट ऑफ के लिए वेट करना है एंड फिर से वही करना है. फटाफट से जैसे भी कट ऑफ आए देखना शुरू कर देना है क्या आपको कोई बेटर कॉलेज या क्या आपको कोई बेटर कोर्स जो भी मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, वो सब कुछ आपको खुद से देखना पड़ेगा. और उसका एक सिंपल सा फंडा होता है, सिंपली अपने पुराने वाले कॉलेज में आपको अपने एडमिशन कैंसिल करवाना है, नए वाले में अप्लाई करना है, फी पे करनी है एंड देन बस काम खत्म. इसके अलावा मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर करी हुई है इस पर्टिकुलर चीज़ पर, रीएलोकेशन पर, मेरे साथ क्या हुआ था रीएलोकेशन के टाइम एंड मुझे लिटरली एंड तक आते हुए कितना अच्छा कॉलेज मिल गया था. तो ये तो हो गई हमारी पहली चीज. अब नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड थिंग है, जो कि है कि अगर पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई है, सारी कट ऑफ रिलीज हो गई है, फिर भी आपको डी यू का कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर उस केस में जो भी आपको मिला है वो आपके पसंद का नहीं है, लाइक यू नो पसंद का कॉलेज नहीं है, आपको कोई और कॉलेज, आपको कोई और कोर्स चाहिए था, तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ द नंबर वन ऑप्शन हेयर इज माइग्रेशन. सो माइग्रेशन इज समथिंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है फर्स्ट ईयर के बाद. अब मेरे पास इसके बारे में थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है एंड जितने भी सोर्सेस से मैंने ट्राई किया इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने का, कोई एक्यूरेट और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है. बट जितना मुझे पता है इसमें क्या होता है, अगर आपका जो भी करंट कॉलेज है जिसमें आप अपना फर्स्ट ईयर पढ़े हो और जो आपका फ्यूचर कॉलेज होने वाला है या होस्ट कॉलेज, पोटेंशियल कॉलेज जो भी होता है, अगर वो दोनों अग्री करें कि आप ऐसी शिफ्टिंग कर सकते हो, सो उस केस में ये माइग्रेशन पॉसिबल होता है एंड आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा सकते हो. बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द प्रोसेस एंड मुझे एक और चीज़ के बारे में भी श्योरिटी नहीं है कि क्या आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी लिटरली ये चीज़ बस सुनी थी एंड स्टार्टिंग में मेरे माइंड में था ये पूरा सीन माइग्रेशन का. बट वॉट हैपेंड इज कि वेंकी में आकर या बेसिकली किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आकर आप लिटरली एडजस्ट कर ही लेते हो, सो आपका मन नहीं करता कि एकदम से मैं कहीं और मूव करूँ, राइट? आई मीन ये कभी कभार होता है. एंड इसके अलावा मैंने ये सुना है कि ये पूरा जो शिफ्टिंग होती है, माइग्रेशन होती है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है. बाय द वे यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट एंड बेसिकली कुछ डे टू डे लाइफ के लिए एंड थोड़े बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे इस हैंडल पर. इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना. एंड अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ जो कि है एम फॉर मास्टर्स. यस, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही क्लीशे बता दिया, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रीसेंट कॉलेज कंसिडर किया जाता है, ना कि आपके बैचलर्स का कॉलेज. तो अगर आप अभी हार्ड वर्क करो एंड उसके साथ फिर आप एडमिशन ले लो मास्टर्स कोर्स में अपने किसी भी पसंद के कॉलेज में या फिर किसी बेटर कॉलेज में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. एंड बाय द वे जो 3 साल होते हैं ना बैचलर्स के, लिटरली बस पास हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता. सो इस केस में आप ये ट्राई कर सकते हो, आप बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो. डेफिनेटली मैंने कॉलेजेस पर इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं हर कोर्स की, हर स्ट्रीम की, कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं मास्टर्स के लिए. एंड उसके अलावा आप बेटर कोर्स के लिए भी जा सकते हो, मतलब बेटर जो काफ़ी लोगों की नज़रों में होता है बेटर. सो उससे मेरा मतलब ये है कि काफ़ी लोग ना स्टार्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर्स में रादर देन मैथ्स ऑनर्स. बट होता ये है कि स्टैट्स ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स ऑनर्स एंड इसलिए उनको लेना पड़ जाता है मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन. बट आप फिर मैथ्स ऑनर्स करने के बाद, दैट इज बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद, आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो एंड इसलिए आपका ये कोर्स में एक लेवल अप हो जाएगा. बट डेफिनेटली आप
आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। अब इसके अलावा काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सबको एमएससी स्टैट्स करने का मौका नहीं मिलता जो कि बीएससी मैथ्स करके आए हुए होते हैं। वो सब कुछ आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं वीडियोज़ बना दूँगी अगर आप कॉमेंट करके बता दो कि एग्जैक्टली आपको क्या जानना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि कैसे चीज़ों को करते हैं एंड आगे आपको कैसे जाना है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है लिटरली सारे टॉपिक्स पर, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैकअप ऑप्शन क्या है, डीयू के कौन से अंडररेटेड कॉलेजेस हैं, डीयू के कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी लो कट ऑफ जाती है, टॉप कॉलेजेस पर तो वीडियो ऑलरेडी बनी ही हुई है। एंड इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार जाकर सारी प्लेलिस्ट सारी वीडियोस छान के बस इतना देख लो कि आपके मतलब की कोई वीडियो थोड़ी मतलब रह तो नहीं गई आपसे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं, जैसे कि कौन सा आपको बैचलर्स में सब्जेक्ट लेना है उसके ऊपर कैसे डिसाइड करें एंड क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उसके बाद। सो ये सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पर एंड आप जाओ आराम से वीडियोज़ देखो एंड मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। टिल देन बाय।